और वहीं आमाबेड़ा में कोविड टीकाकरण का हुआ शुभारंभ। इस अवसर पर प्रभारी डॉक्टर मनोज सिंगरौल, जनपद उपाध्यक्ष भवनलाल जैन, स्थानीय सरपंच आमाबेड़ा लोकेश बधेल, उप सरपंच विशाल नेगी द्वारा फीता काटकर टीकाकरण का शुभारंभ किया। बता दें कि इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मास्क एवं सार्वजनिक दूरी का पूर्ण रूप से पालन किया गया। टीकाकरण के पहले से ही टीकाकरण सेंटर को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सुंदर अंदाज में सजाया संवारा गया। आपको बता दें कि प्रथम चरण में जिन्हें टीका लगना है उस सूची में स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारियों का नाम पंजीयन किया गया था, ताकि लोगों के मन में टीका को लेकर जो दुविधा भरी सोच है उसको दूर किया जा सके। ये कोविड-19 वैक्सीनेशन जो हो रहा है पूरे इंडिया में, प्रथम पंक्ति के पहले लगाया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे PCR वगैरह के अंतर्गत जैसे 90 गाँव जो संचालित होता है, इसमें 304 लोगों का नाम है यहाँ पे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के हैं, मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के, और इसका जो सेकंड डोज है 28 दिन बाद फिर से उन्हीं लोगों को सेकंड डोज लगाया जाएगा। सर पहला किसका नाम है? पहले तो अभी जितने लोग आएंगे रजिस्ट्रेशन जैसे आज होने हैं है? तो 3 दिन का टारगेट है, 100 लोग को लगाना है टारगेट पे। ऑनलाइन पंजीयन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, जो ID प्रूफ पहले जो दिए हुए थे उसका सत्यापन वेरिफिकेशन होगा तब जाकर।